सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज की वीडियो एक बार फिर से मेजर रामनिवास ऑर्गेनिक फार्म ढिगावा से आ रही है। इनकी हमने पहले भी आपको वीडियो दिखाई थी, ड्रिप लगाते टाइम ड्रिप का इंस्टॉलेशन हो रहा था। आज की वीडियो इनके फार्म से जो बेड और ड्रिप मल्चिंग खाद का जो काम चल रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मेजर रामनिवास ऑर्गेनिक फार्म पे बेड बना दिए हैं और ड्रिप डाल रहे हैं, इधर मल्चिंग भी कर दी है और मल्चिंग के अंदर होल भी निकाल दिए हैं। और राजकुमार जांगड़ा जी के हाथ में होल निकालने का देसी जुगाड़ है, उसके बारे में दिखाना चाहता हूँ। पहले भी मैंने आपको दिखा था, पीवीसी प्लास्टिक पाइप के अंदर आरी की ब्लेड की सहायता से दांत निकाल दिए हैं और इसको ऐसे बेड के ऊपर मारते हैं। राजकुमार जी, दो तीन होल निकाल के दिखाएं। ये देखिए किसान भाइयों, देसी होल निकालने का जुगाड़। ये 1.25 फीट पे पीवीसी पाइप की सहायता से मल्चिंग सीट के ऊपर होल निकाल रहे हैं, एक बेड पे दो लाइन। ये देखिए, सिंगल ड्रिप लाइन है, मल्चिंग सीट है, दो लाइन सोइंग। ये देखिए, बहुत ही शानदार देसी जुगाड़ है ये होल निकालने का। और किसान भाइयों, पूरे खेत में बेड बना दिए हैं और ड्रिप की इन लाइन 16 mm की लेटरल विजय भाई बिछा रहे हैं। और मेजर रामनिवास ऑर्गेनिक फार्म पे बहुत ही शानदार तरबूज अनार का प्रोजेक्ट जो लग रहा है उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ये देखिए, बेड बना दिए हैं और इसके ऊपर खाद भी डल रहा है। और ये देखिए, 16 mm की इनलाइन, एक बेड पे एक नली, बहुत ही सीधे लंबे। और किसान भाइयों, ये जो बीच में आप रिंग देख रहे हैं ड्रिप के, इसके ऊपर अनार लगेगा, वंडरफुल वैरायटी एक्सपोर्ट क्वालिटी का अनार लगेगा इसके ऊपर। ये जो बीच में बेड बन रहा है इसके ऊपर तरबूज लगेगा। बहुत ही शानदार कल्टीवेशन मेजर रामनिवास ऑर्गेनिक फार्म ढिगावा में लग रहा है। ये देखिए, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है ये। मेजर रामनिवास जी ड्रिप की जो नली बिछा रहे हैं उसमें सहायता कर रहे हैं अपने साथियों की, और ये बेड के ऊपर ऐसे डाल रहे हैं। देखिए, पूरे खेत में अनार के रिंग निकाल के छोड़ दिए हैं और बीच में इन्होंने तरबूज के लिए पूरी तैयारी कर दी है। ये देखिए, उधर खेत में बेड बनाने के लिए ट्रैक्टर चल रहा है, ये इनकी बेड बनाने की मशीन है। देखिए, ये भी देसी जुगाड़ है लेकिन बेड बहुत अच्छे बनाती है। 2 फीट का चौड़ा बेड है और ऊंचा है लगभग 1 फीट का। ये देखिए, ये मशीन बहुत ही शानदार मशीन है। ये देखिए, ट्रैक्टर की सहायता से चलती है और बहुत शानदार बेड बनाती है। ये देखिए, इसके बेड बिल्कुल सीधे लंबे, प्रॉपर चौड़े और प्रॉपर हाइट। ये मशीन है किसान भाइयों, ये गौ माता का गौशाला का खाद डाल रहे हैं। ये देखिए, इनकी लेबर अभी रेस्ट कर रही है, ये खाद तसले भर भर के डाल रहे हैं। किसान भाइयों, जब इन किनार के पौधे लगेंगे या तरबूज की सोइंग होगी तब भी आपको वीडियो दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय किसान, जय जवान, भारत माता की जय। जय हिंद।